नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गणेश कॉलोनी की महिलाओं ने अपनी समस्या को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष से मुलाकात की और उन्हें अपनी कॉलोनी में सुविधाओं के लिए ज्ञापन भी सौंपा। वार्ड नंबर 36 गणेश कॉलोनी बगौदा तिराहे की महिलाओं का कहना था कि उनके यहाँ रोड की समस्या सबसे विकराल है। बरसात होने पर पानी भर जाता है। जब से नालियां बनी हैं तब से सफाई नहीं हुई है। कभी भी स्वीपर यहां साफ करने नहीं आता, जिसकी वजह से नालियों का पानी भी सड़कों पर आ जाता है। महिलाओं का ये भी कहना था कि लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। कई जगह खंभे लगे हैं तो वहां पर लाइट नहीं पहुंच रही और बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर बिजली के खंभे भी नहीं लगे हैं। इस मामले को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इसके पहले कभी कभार शायद नगरपालिका में फोन से शिकायत की गई होगी, लेकिन उनके पास अभी पहली बार ये शिकायत आई है और वे उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहां उनकी समस्या दूर की जाएगी। सर, मेरा नाम इतने लता मिश्रा है, वार्ड नंबर 36 से आई हूँ, बड़े कॉलोनी सागरपुर भगवती गड्ढा से। यहाँ चुनाव मैम के पास हम लोग अपना ज्ञापन लेके आए थे। क्या है ज्ञापन, क्या दिया? हम लोगों की ये परेशानी है कि हम लोग यहाँ रोड नहीं है, गली में पानी भरा जब भी बारिश होती एक बार, दूसरा ये जब से हम लोगों की यहाँ नाली बनी कभी स्वीपर नहीं आया सफाई करने के लिए। नालियाँ जो कि तो भरी पड़ी हैं, पर ओवरफ्लो हो जाती है तो रोड पर कचरा आ जाता है हम लोगों को। और तीसरी बात, हम लोग के यहाँ खंभे नहीं है लाइट, बच्चे बहुत बजे से हम पे लाइट नहीं लगे, यहाँ तो खंभा भी नहीं लगा ना, लगे वहाँ लाइट नहीं। बच्चे 5 बजे सुबह से निकलते, सर्दियों में अंधेरा रहता है, जब कभी 8:30 तक बच्चों का ट्यूशन खत्म होता, तो हम लोगों को जब तक बच्चे सेफली नहीं पहुँच पाते घर में, जब तक हम लोग को लगाए तो बच्चे कब आएंगे। तो मैंने ये कहा है कि परसों शायद हम खुद भी आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ कॉलोनी का भ्रमण करने के लिए, जितनी जल्दी हो सकेगा हम उतनी जल्दी आपके यहाँ रोड डालने का प्रयास करेंगे। गणेश कॉलोनी की महिलाएं आई थी जिन्होंने ज्ञापन दिया कि बहुत सारी समस्याएं थी, उनको छोटी मोटी मांगें थी, उनकी रोड की मांग थी और भी अन्य मांगें थी, जो कि सहर्ष स्वीकार किया मैंने और उसको अपन देखने जाएंगे और देख के जहाँ जैसी रोड होगी काम लगाया जाएगा। प्रथम बार ये महिलाएं मेरे पास आई थी, फर्स्ट टाइम आई थी, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम लोग की पहले मुलाकात नहीं हो पाई और पहले एक दो बार उनसे उनकी उन्होंने बताया कि रोड की मांग उन्होंने नगर पालिका में किसी से बोला होगा तो फ़ोन के माध्यम से बोला होगा या जैसे भी होगा, तो यहाँ से गिट्टी गई थी और वहाँ पे बिछाई गई थी, जिससे कि कुछ समय उनका व्यतीत हुआ और अभी रोड की मांग थी उनकी तो उसको पूरा किया गया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। लवकुश नगर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगमऊ से एक महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि उसका पति 2 जुलाई से गायब है, लेकिन लवकुश नगर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई। महिला ने बताया कि उसका पति 35 वर्षीय भगवान चरण विश्वकर्मा 2 जुलाई से गायब है। पूरन राजपूत पर महिला ने शक जताया है। उसका कहना है कि जमीन जोतने के मामले को लेकर पूरन राजपूत द्वारा उसके पति को धमकी दी गई थी और जिस दिन से धमकी दी गई थी उसी दिन से उसका पति गायब है। इसके बावजूद लवकुश नगर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। महिला का कहना है कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उमा विश्वकर्मा, कहाँ से आप? बगमऊ से। कौन सा थाना लगता है? लोड़ी। इनका क्या नाम है आपके पति का? भगवान चरण विश्वकर्मा। कितने साल के? 33 साल। क्या हुआ है, कब से लापता है जी? 2 तारीख से, मंगलवार से। किसी पैसा क्या आपको? हाँ, पूरन क्यों? थोड़ी सी मैंने उसमें जमीन जोत ली थी और रात में धमकी देना आई थी कि मेरे पैसे दो। जब से लापता है? जब से लापता। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर की बड़ी खबर को देखेंगे। छतरपुर एसपी कार्यालय के बाहर हुए कन्हैयालाल आत्मदाह कांड में अब आरोपी अमन दुबे के परिवार के लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन हासिल कर पुलिस अधीक्षक और
छतरपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए अमन दुबे के परिवार के लोगों ने बताया कि इस मामले में अमन दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो जेल जा चुका है, लेकिन अब उनके पूरे परिवार को फंसाने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि 8 जुलाई को छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर कन्हैयालाल अग्रवाल ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद अगले दिन उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में जो शुरुआती तथ्य निकल कर आए थे, वो उनके मुताबिक कन्हैयालाल अग्रवाल को अमन दुबे नामक युवक के द्वारा चोरी के संदेह में प्रताड़ित किया जा रहा था और पुलिस उसको न्याय नहीं दिला पा रही थी, जिसके चलते उसने आत्मदाह किया था। इस मामले में अमन दुबे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और वो अब जेल भी जा चुका है। बीते रोज कन्हैयालाल अग्रवाल के परिवार के लोगों ने एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा था मुख्यमंत्री के नाम और इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका चिन्हित करने की मांग की थी। कुल मिलाकर पीड़ित परिवार और शहर के कुछ लोग इस ज्ञापन के माध्यम से अमन दुबे के परिवार के अन्य सदस्यों की भी भूमिका इसमें बता रहे थे और पुलिस से अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। आज अमन दुबे के परिवार के लोगों ने बताया कि उनके पूरे परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस पूरे कांड में उनके एक परिवार के सदस्य अमन दुबे की जो भी भूमिका थी वो जेल जा चुका है, अब पूरे परिवार को निर्दोष ना फंसाया जाए। कलेक्ट्रेट पहुंचे अमन दुबे के परिवार के कई लोगों के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी मौजूद रही। सर, जो अभी एसपी ऑफिस के सामने जो कन्हैयालाल ने आत्मदाह कर लिया था, उसी सिलसिले में हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है, क्योंकि अमन जो दोषी था उस समय उसी दिन हम लोगों ने उसको पेश कर दिया था। उसके बाद पूरे सब लोग मिल करके मतलब हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं कि परिवार को फंसा रहे हैं, कि मतलब इन लोगों का भी इसमें हाथ है। आप लोग, हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि इस चीज़ की एक निष्पक्ष से जांच होनी चाहिए, जो दोषी है आप उसको सजा दीजिए। मामला ये था, आप लोगों को सबको पता है कि कन्हैयालाल अग्रवाल जो एसपी ऑफिस के सामने जिसने सुसाइड किया है, बर्निंग का केस था जलने का, तो उसी के केस में पूरे परिवार को बताया गया, उसी के विरुद्ध हम लोग ने ज्ञापन दिया। चाहते जी हैं कि जो इनको परिवार को जो सरकार की तरफ से प्रशासन की ओर से जो भी ये मतलब दिया जा रहा है कागजी कार्रवाई, वो जब तक जांच नहीं हो जा रही है जब तक वो मानसिक रूप से ना परवाह। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं विनोद मिश्रा। देख लेते हैं आज की इस खास खबर को। यह खबर है कि इन दिनों बारिश की शुरुआत होते ही बरसाती कीड़े और जहरीले कीड़े निकलने की वजह से दो अलग अलग जगह पे घटना घटित हुई, जिसमें दो वृद्ध महिलाओं की मौत हुई। सांप के काटने से दो वृद्ध महिलाओं की मौत हुई, जिसमें पहली घटना बसारी गाँव की निवासी द्रुप्ति सोनी उम्र 60 वर्ष जब रात्रि में घर में सो रही थी, तभी उसी दौरान जहरीले सांप के काटने से इस महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजन तत्काल ही छतरपुर के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर इनका पोस्टमार्टम किया गया। कहां से आप? नौगांव से। मृतक का क्या नाम है? द्रौपदी सोनी। कितने वर्ष की है? 60 वर्ष की। क्या हो गया? वो उनको सांप ने काट लिया घर में। वो कहां की रहने वाली है? वो बसारी की। वो एक घंटे बाद मतलब वहाँ से फोन आया, जैसे निकली वहाँ से एम्बुलेंस के लिए, तो उन्होंने मतलब हमें बुलाया फोन लगा के कि हम वहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग आ गए थे रात में समथिंग 9 बजे समथिंग। क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे कोई अंधेरे। दूसरी घटना खड़गांव गांव की है। नन्नी भाई उम्र 55 वर्ष जब रात्रि में घर में सो रही थी, उसी दौरान जहरीले सांप के काटने की वजह से उस दर्द से तड़पती रही, उसे तत्काल ही परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। मम्मी सो रही थी सर, तो सर ने उसी समय काट दिया। कितने बजे की बात? 3 बजे। क्या नाम है मृतक का? रन्नी भाई। कितने वर्ष? 50 वर्ष। आप लोग कैसे लेकर आए उनको? गाड़ी से भर्ती कराया है अस्पताल में और उपचार के दौरान डॉक्टर ने। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं विनोद मिश्रा। देख लेते हैं आज की इस खास खबर को। यह खबर है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नौगांव रोड पर स्थित एक होटल में शादी समारोह के दौरान दो युवकों के साथ मारपीट की गई। सोमवार की देर शाम नौगांव गांव के दो युवकों के साथ शादी समारोह में शामिल होने आए लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट की। मारपीट के दौरान इन लोगों ने इन दोनों युवकों से चोरी की बात कही और चोरी पर बात बात इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन दोनों लड़कों के साथ मारपीट की।
पुलिस ने बताया है कि सोमवार को नौगा रोड स्थित एक होटल में एक अग्रवाल परिवार की शादी समारोह था। इस दौरान सोना गांव का हन्नू सेन और प्रदीप सेन बरातियों और घरातियों के लिए कटिंग का कार्य करने के लिए वहां पर आया। उसी दौरान शैलेंद्र अग्रवाल वहां पर शादी समारोह में आया हुआ था। उसने इन लोगों से बोला कि तुम लोगों ने मेरे बैग से पैसे चुराए हैं, जिस पर बरातियों ने और साथ में जो घराती थे उन लोगों ने मिलकर के इन दोनों युवकों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। बेरहमी से पीटने के बाद मामला सिटी कोतवाली पहुंचा और वहां पर FIR दर्ज करा दी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई न करने पर ये परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय गए। वहां पर इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व विधायक RD प्रजापति को पूरी दास्ता सुनाया और दास्ता सुनाने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने कहा है कि उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। और क्या कुछ कहा है देख लेते हैं पुलिस खबर के माध्यम से। अभी आपके रेजेंसी होटल में दो तीन बच्चों को जो नाबालिग है उनको वहाँ के मालिक ने मारा है, और ऐसा नहीं मारा बेरहमी से मारा है। उसके पूरे शरीर में बड़े बड़े दाग हैं और उसके नाखूनों को प्लास से निकाले गए हैं। इतनी तो बेरहमी से पिटाई किसी आतंकवादी की, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए करते हैं लोग, इसलिए वहाँ CCTV कैमरे भी नहीं, इसलिए कि वहाँ अवैध कारोबार हमेशा चलते हैं और वहाँ घोर धंधे चलते हैं। रेजिडेंसी ये होटल है और ये वहाँ के संचालक ने मारा है और इनको मतलब नंगा करके बेरहमी से पिटाई की है। कोई साथ को यहाँ मतलब ये SP साहब मिले नहीं, SP साहब को बताऊंगा कि इन पे कार्रवाई करिए और इनका होटल बंद करिए और इनकी जांच कराइए। अगर इनकी जांच नहीं कराते हैं और होटल पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो होटल पे ताला RD प्रजापति लगाएगा। मैं लिख के दूंगा कि ऐसे गोरख धंधे ऐसे लोगों को मारना जो गरीब अनाथ लोगों को बेरहमी से मारना, अरे कानून अपने हाथ में लेते हो, इतने गुंडा बन गए हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में खास खबर छतरपुर शहर की। यहां छतरपुर शहर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य पर एक निजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, सिविल सर्जन RP पांडे, महाराजा कॉलेज के प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं कार्यशाला में आशा कार्यकर्ताओं के साथ हितग्राही भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर तमाम प्रकार की जनसंख्या नियंत्रण जैसे तमाम विषयों पर चर्चाएं भी की गई। इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य रूप से आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर हितग्राही भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह के हाथों उन्हें उपहार भी सौंपा गया। आज हमारे देश का विश्व जनसंख्या दिवस का एक वर्कशॉप थी हमारे यहाँ, तो माननीय अर्चना सिंह जी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनके आतिथ्य में ये वर्कशॉप की गई है, और जिले की सभी आशा कार्यकर्ताओं को और जो उन हितग्राहियों को बुलाया गया था जिन्होंने एक बच्चे के ऊपर या दो बच्चियों के ऊपर या एक बच्चे के बाद अपना ऑपरेशन कराया है, जो अभी आज देखने को मिल रहा है कि एक बच्ची के ऊपर ऑपरेशन कराना सच में बहुत बड़ी बात है, वो बधाई के पात्र हैं। उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया, उनको इनाम दी गई है माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से, और इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जागरूकता हम और समाज में करेंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और उसी तारतम्य में यहाँ पे एक स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी हमारे सिविल सर्जन हैं, हमारे डॉक्टर HP अग्रवाल जी हैं, हमारे खरे जी हैं, सभी लोग हैं, स्वास्थ्य हमारी आशाएँ हैं और काफ़ी लोग हैं जो ये कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया, जिसमें हमको ये बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग से किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो जनसंख्या को नियंत्रण कर सकें, और किस तरह गांव में जाके शहरों में जाके किट बांटी जा रही है जो कि लोगों को ये बताएं कि जब बच्चे में कम अंतर होता है या ज़्यादा बच्चे होते हैं तो किस तरह से माँ के स्वास्थ्य को दिक्कतें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर बताई गई। और इसी के साथ साथ उन माओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने दो बेटियां होने के बाद अपना ऑपरेशन कराया। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। 11 जुलाई से 11 अगस्त तक विश्व जनसंख्या स्थिरता माह मनाया जाना है, और छतरपुर जिले का TFR 3.8 है, यानी एक परिवार में 4 बच्चे, तो TFR को 2.1 तक लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
हमारा जिला जो मध्य प्रदेश में 25 जिले हैं जो मिशन परिवार विकास के अंतर्गत आते हैं, यानी 25 जिले की TFR ज़्यादा है और हमें TFR को कम करना है, उसके लिए मिशन मोड पे काम करना पड़ेगा हमें, तब हम जिले को TFR से प्रजनन दर में कमी कर सकेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम एक माह में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, लोगों को अवेयर करें, लोग अपने आप नसबंदी करवाएं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें ताकि परिवार सीमित रह सके, दो बच्चों से ज़्यादा ना हो सके, ताकि हमारा जो संसाधन है वो हम कंट्रोल कर सकें उन्हें, और अधिक से अधिक लोगों को सुविधाएं मिल सके। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पटवारी संघ द्वारा SDM कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया, अफसरशाही नहीं चलेगी जैसे नारेबाजी लगातार चलती रही। पटवारियों का कहना था कि काम का बोझ इतना ज्यादा है, बावजूद इसके उनके 3 साथियों का निलंबन SDM द्वारा किया गया है। SDM को जब इस मामले में ज्ञापन देने पटवारी संघ के लोग पहुंचे तो SDM द्वारा ज्ञापन भी नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष हारून अहमद ने बताया कि पटवारियों के निष्कासन का विरोध किया जा रहा है, अभी ये विरोध शांतिपूर्ण है और अगर पटवारियों को वापस नहीं लिया जाता है तो फिर वे काम का बहिष्कार भी करेंगे। पटवारियों का कहना है कि उन्हें 3-3, 4-4 हलकों का प्रभार दिया गया है, जिसकी वजह से और तकनीकी कारणों की वजह से वे काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले SDM सपकाले ने 3 पटवारियों को निलंबित किया था। SDM का कहना था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जानकारी कंप्यूटर पर अपलोड न करने और कार्यों में लापरवाही के चलते इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। आज गांव में काम कर रहा है तो कम से कम उसका व्यवहारिक पक्ष तो सुनिए। और करने में किसको जुम्मेवार मानते हैं SDM महोदय का सियासी, वो मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, SDM महोदय इसके कुछ समय पूर्व एक बार आए थे बस्ता जांच कर, मैं यथार्थ बता दूं मेन पिक्चर यही है, और उस समय कुछ उनके द्वारा ऐसी मांगे की गई थी जो हम सब पूरी करने में सक्षम नहीं थे। ऐसी कौन सी मांगे थी? वो कुछ ऐसी हैं जो अलग से बताई गई, तो उसके कारण वो हम लोग नाजायज मांगे, नाजायज टोटल नाजायज उस सब के कारण। पैसे का लेन देन वो आप, मैं सबको, चूंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सीधी सी बात यह है कुछ नाजायज बातें थी जिनको जब आपकी मांगे नहीं मान रहे, आपका आवेदन नहीं लिया तो आप खुल के बताइए ना। तो हम लोग यही कह रहे क्या मांगे कि वो जो पूर्वाग्रह से गुस्से थे इस कारण से वो सबको टारगेट करना चाहते हैं, और हम सब भी अब इसलिए तैयार है कि या तो हम लोगों को व्यवहारिक पक्ष पर काम किया जाता है तो आप क्या करेंगे, तो सारे पटवारी काम बंद करेंगे, चाहे सबको सस्पेंड क्यों सार्वजनिक रूप से किया जाए, जो उनकी मांगे हैं उनका खुलासा करेंगे। हमारी मांग केवल ये है कि जब जो उनकी मांगे थी आप लोगों उसका खुलासा करेंगे, प्रशासनिक क्या क्या मांगे। मैं पटवारी हलका नंबर 21 धामची में पदस्थ हूँ। एक हलके के साथ साथ मुझे 2 हलकों का चार्ज और दिया गया। मैंने तहसीलदार महोदय को विगत 4 माह पूर्व एक आवेदन दिया कि महोदय 3 हलकों होने की वजह से मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, 1-8 हलकियों का चार्ज किसी अन्य पटवारी को दिलाए जाने की कृपा करें। महोदय के द्वारा आज तक हलके के चार्ज किसी अन्य पटवारी को नहीं दिलाया गया और PM के साथ कार्य में मुझे सस्पेंड किया गया है। मैंने अपने हलका अंतर्गत आने वाले 6 गांवों में से 5 गांव में काम किया, 1 गांव में काम करना शुरुआत न होने की वजह से मुझे निलंबित किया गया। महोदय से मैंने निवेदन भी किया है कि मुझे बहाल करें, मैं इसी के लिए काम करूँ और अपने दायित्व का निर्वहन करूँ। की समस्याएँ भी हैं उस कार्य में, क्योंकि सहायक खातेदार के रूप में यदि 10 से 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनमें से किसी एक की जानकारी प्राप्त हो पा रही है तो प्रॉपरली जो खाता है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है और खाता फाइनलाइज न होने की वजह से प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही है। तो संयुक्त खातों का भी एक समस्या है, तकनीकी तौर पे जो PM के साथ एप्लीकेशन है उसका अपडेट नहीं है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल का संपूर्ण मध्य प्रदेश का उप प्रांत अध्यक्ष हूँ, तहसील छतरपुर का मध्य प्रदेश पटवारी संघ का अध्यक्ष भी। आज किस तरह का ये प्रदर्शन किया जा रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का कार्य तकनीकी संसाधनों के अभाव में हमारे पटवारी साथी रात दिन जाकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कल हमारे 3 साथियों को कार्य करने के उपरांत भी निलंबित कर दिया गया है। हम सभी चाहते हैं कि अकारण निलंबित किए गए हमारे
हमारे साथियों को तत्काल बहाल किया जाए। अभी हम लोग शांतिपूर्ण असहयोग तरीके से विरोध प्रदर्शन स्वरूप ज्ञापन देने गए थे, हमारा ज्ञापन स्वीकार नहीं किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं, शासकीय दायित्व को मर्यादा में रहकर पूरा करने के लिए हम सभी कृत संकल्प हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे परिवार को सुरक्षा और हम लोगों को पूर्ण इज्जत दी। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो काम का बहिष्कार एवं असहयोग तरीके से आंदोलन आगे संपूर्ण प्रदेश में करने के लिए हम लोग व्यवस्था। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शहर के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान नगर की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया और नए लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रखर भट्ट को जहाँ नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं आदित्य दीक्षित को नगर मंत्री बनाया गया है। इस दौरान आए हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि ये एक सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है, जो कि छात्र छात्राओं में राष्ट्रहित की भावना विकसित करता है एवं छात्रों के हितों के लिए काम करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज 11 जुलाई को छतरपुर जिले की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष के रूप में प्रखर भट्ट जी को नियुक्त किया गया, वहीं नगर मंत्री आदित्य दीक्षित को नियुक्त किया गया। इस प्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और हर साल नगर की कार्यकारिणी घोषित होती है स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर। तो इस बार आज कार्यकर्ताओं को सम्मेलन और रखा गया था, जिसमें नई कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी, नगर मंत्री, नगर अध्यक्ष जी वगैरह घोषित हुई, कार्यकारिणी घोषित हुई, जिसमें सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है कि आगे बहुत अच्छा काम करेंगे छात्रों की समस्याओं को लेकर। जैसे कि पिछले 17 सालों से जो विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में काम करता आ रहा है, आगे भी ऐसे ही काम करेगा। आज नगर अध्यक्ष और नगर मंत्री की घोषणा की गई, नगर की पूरी कार्यकारिणी आज विद्यार्थी परिषद के आगामी वर्ष के लिए बनाई गई है। लगातार विद्यार्थी परिषद विगत जितने वर्षों से छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करती चली आ रही, उसी प्रकार से अनवरत यह काम करती रहेगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आज पूरी नगर की कार्यकारिणी बनाई गई है और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सदा प्रयास। प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर शिक्षा के साथ क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस कार्यकारिणी के गठन में इस प्रकार से युवा शक्ति बड़ी मात्रा में आई है। युवा शक्ति छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के बने अभियान को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश में एक अभियान लिया है, सेल्फी विद कैंपस यूनिट। आज इस सेल्फी विद कैंपस यूनिट अभियान के माध्यम से ये छात्र शक्ति पूरे जिले में जाके, छतरपुर जिले के सारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाके और जो दूसरे छात्र हैं, ऐसे छात्रों को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का प्रयास करने वाले हैं। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रोजाना की चेकिंग के दौरान डाकखाने चौराहे पर बिजावर पुलिस द्वारा 302 के एक फरार वारंटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 40 वर्षीय अब्रार खां उर्फ अब्बू 302 के मामले में पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस की दबिश में आ गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। मांडी न्यायालय छतरपुर से एक स्थायी वारंट जारी हुआ था अब्बू अब्रार पिता प्याज खान मुसलमान का, इसका स्थायी वारंट था, उसमें आज रात में तलब किया था, आज गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये मर्डर का मामला था, उसमें आजीवन कारावास हुआ है। खबर दिनभर में आप देख रहे थे दिनभर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए अपने टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।